और इस बीच आपको जम्मू कश्मीर लिए चलते हैं, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। पत्रकार टीवी पर आप देख पा रहे हैं इस वक्त की बड़ी अपडेट। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर सामने आई है, उरी में दो आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। आपको बता दें कि एक बार फिर से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुए, लेकिन इन सबके बीच सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया और यहाँ जो नापाक मंसूबे थे उन पर कंट्रोल किया, उन्हें नाकाम कर दिया। उरी में दो आतंकियों के शव मिले हैं। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है और यहां पर नाकाम कोशिश रही इन आतंकियों की। कोशिश कर रहे थे भारत के पूरे क्षेत्र में अंदर घुसने के लिए और काफी संख्या में अभी लगातार पिछले कुछ माह में आतंकियों से मुठभेड़ पहले भी हो चुकी है और लगातार भारतीय सेना जो है, सुरक्षा बल जो है, उनकी तरफ से कार्रवाइयाँ की गई हैं। बड़ी कार्रवाई भी इसमें हुई हैं, हालांकि अभी भी बारी बारी से छिटपुट घटनाएं सामने आती रही हैं और आतंकियों तरफ से आतंकी घटनाएं भी लगातार सामने आई हैं। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में चल रहे घुसपैठ विरोधी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने दो आतंकवादियों के शव, हथियार और गोला बारूद बरामद किए। इलाके में ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें कि नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा बलों ने सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकवादियों के एक समूह को चुनौती दी थी और उन्हें निशाना बनाकर गोलीबारी की थी। जिन दो आतंकियों के शव बरामद हुए वे कल के ऑपरेशन के दौरान मारे गए थे। आपको ये भी बता दें कि अधिकारियों ने जानकारी दी है कि सेना के जवानों ने उत्तरी कश्मीर के उरी सेक्टर के गोहालन इलाके में नियंत्रण रेखा के पास में संदिग्ध गतिविधि देखी थी। चुनौती दिए जाने पर आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, उसके बाद में सेना को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। वे दोनों तरफ से कुछ देर तक गोलीबारी हुई और जो अब बंद हो गई है। इस ऑपरेशन में दो आतंकवादी मारे गए, लेकिन उनके शव वहां पर तुरंत बरामद नहीं किए जा सके क्योंकि ये इलाका एलओसी के करीब था। इससे पहले उत्तरी कश्मीर के सोपोर में 19 जून को आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस एनकाउंटर में भी दो आतंकी मारे गए थे। गत 9 जून को जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकियों ने तीर्थयात्रियों को लेकर वैष्णो देवी जा रही एक बस पर घात लगाकर हमला कर दिया था। ड्राइवर को गोली लगने के कारण बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस आतंकी हमले में 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी और 30 से अधिक घायल हुए थे। इसके बाद दो दिनों के अंदर जम्मू रीजन में सिलसिलेवार कई आतंकी हमले हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस सिलसिले में गत दिनों अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने अब अधिकारियों को आतंकियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का निर्देश दिया। सुरक्षा बल पूरे जम्मू कश्मीर में एंटी टेरर को वहां पर ऑपरेशन चला रहा है और पिछले 2 सप्ताह में अलग अलग मुठभेड़ों में आधा दर्जन से ज्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं।